करते क्या है मोदी, केवल हिंदू मुसलमान गाय गोबर भारत पाकिस्तान। प्रधानमंत्री जी कुर्सी के भूखे हैं। आज मोदी जी के माथे पर एक कलंक लग गया है कि और कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। आसमान में जरा सा पानी बरस रहा है, छत भी लीक हो रही है, पेपर भी लीक हो रहा है, मंदिर भी लीक हो रहा है, सड़क भी लीक हो रही है, पुल भी लीक हो रहा है। क्या सरकार वीक है? कल आपने कहा दिया कि राहुल जी बच्चे हैं, बचपन वाली बुद्धि है इनकी। अखिलेश यादव ने कल लोकसभा में सबको धो डाला धन के नाम पर, अब नहीं ठगी जाएगी धर्म के नाम पर। 10 साल तक भले आपने सरकार चला लिया लेकिन अब चलने वाली नहीं है। स्वागत है आपका फिर से एक बार। आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं अभी जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह की आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक NSUI का संगठन है और आयशा के संगठन, जो लगातार कई दिनों से नीट में जो गड़बड़ियां हुई हैं उस बात को लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ एक भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद यादव है। तो सर आप यहाँ क्यों हैं, आज क्या कारण है आपके यहाँ उपस्थित होने का? देखिए देश की स्थिति जो है इस समय सामान से भी ज़्यादा बदतर हो गई। आज हमारे किसान खुशहाल नहीं है, आज हमारे विद्यार्थी खुशहाल नहीं है, गरीब बुजुर्ग नहीं है। एक एक मुद्दे को आप ले लीजिए। आसमान में जरा सा पानी बरस रहा है तो छत भी लीक हो रही है, पेपर भी लीक हो रहा है, मंदिर भी लीक हो रहा है, सड़क भी लीक हो रही है, पुल भी लीक हो रहा है। क्या सरकार वीक है? सरकार वीक है। मोदी जी का वो औरा अब नहीं रह गया है जब कल सदन में चुनावी रैली बना दिए। अब काम की बात वहाँ होना चाहिए। चुनाव खत्म हो गए हैं, किसी को जो है पप्पू काटते काटते 10 साल बता दिए। तो कल आपने कहा दिया कि राहुल जी बच्चे हैं, बचपन वाली बुद्धि है इनकी। गलत है, राहुल जी खानदानी हैं, खानदानी रईस है। चार चार प्रधानमंत्रियों को जो है अंश है उनके अंदर, चार चार प्रधानमंत्रियों से आते हैं। अखिलेश यादव पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, खुद पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। तो ये जो परिवारवाद करते थे ये बाहम था, परिवारवाद नहीं, ये खानदानी रहीसी है जहाँ से आते हैं। आज मोदी जी खुद को अपने आप को लाचार समझ रहे हैं, हो गए हैं। आप बताइए जहाँ जहाँ इनको जीत करके जो है परचम लहरा देना चाहिए था, आज वहीं पर शर्मिंदा है। जनता नहीं चाहती है, 10 साल जो है इनके झूठ और जुमलों की सरकार की खूब हुई, लेकिन अब ये जनता जो है इनके झूठ और जुमलों की सरकार को बिल्कुल बात मानने के लिए चाहती है। 30 लाख खाली पद जो है उनको भर्ती, 240 सीट लाए हैं वो लोग, 272 चाहिए। अगर 240 ले आए हैं तो क्या है ये भी इतना बड़ा गठबंधन? सिंगल सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात को तो आप मानेंगे? इतने सीट जो 240 मिल गए तो 44 लोगों का गठबंधन है। आज तो इनका 26 लोगों का ही गठबंधन है। ये लड़ाई सच पूछा जाए तो गठबंधन की थी, ये गठबंधन NDA उधर, IPDA या इंडिया अलायंस इधर, तो ये गठबंधन एक कम एक ज्यादा हुआ। तो ये मोदी जी इतना बड़ा अगर गठबंधन ना बनाए होते, जात धर्म हिंदू मुसलमान गाय गोबर मीट मटन मछली जो मुजरा तक न किए होते, शायद ये हाल भी नहीं होती। जो अनुमान था कि हम फिर जो है विश्वगुरु बन जाएंगे ये चंपत राम वाले, तो अब ये बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। आज मोदी जी के पास अब किसी मुद्दे पर जवाब नहीं दे पाएंगे। भयंकर हो रहा है, प्रभावशाली और प्रबल हो गया है विपक्ष। एक एक मुद्दे करो, कभी NET पे खोजेगा, कभी महंगाई खोजेगा, कभी बेरोजगारी खोजेगा, कभी नंबरियों पे। मोदी जी तो कहते हैं कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। 10 साल मोदी जी भ्रमण करके, चुनावी सभा करके, घूम घूम करके समय बिता दिए। अब मोदी जी को घूमने का मौका विपक्ष वाले बिल्कुल नहीं देंगे। लोकसभा में बराबर उपस्थिति मांगेगा, हर बात का जवाब मांगेगा। जिस शालीनता गंभीरता के साथ श्री अखिलेश यादव ने कल लोकसभा में सबको धो डाला, पक्ष और विपक्ष जो है सघन मुद्रा में, एकदम शांत मुद्रा में सुना, लेकिन जो है हंसते मुस्कुराते जवाब दिया था। आज उन बातों का जवाब देने के लिए ना NDA के कोई वरिष्ठ नेता, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, उनका सही जवाब नहीं दे सकते। अब ये सरकार घिरी हुई है, ये कब तक बैसाखी वाली? आप बताइए, आप कुर्सी सोने की हो, चांदी की हो, हीरे की हो, अगर नीचे कांटा जड़ा हुआ है तो उस पर बैठने का कौन चाहेगा? केवल हमारे प्रधानमंत्री, केवल हमारे
प्रधानमंत्री जी कुर्सी के भूखे हैं, इनका जो इतिहास है केवल अब सुनिया त्रेता में पल्लोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए जब लोभ मोह पद चढ़ जाता है तो ऐसे राजा के माथे फिर एक कलंक लग जाता है। आज मोदी जी के माथे पर एक कलंक लग जाया कि और कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। देश का कल्याण हो या ना हो, गरीबों कल्याण हो या ना हो, मजदूरों कल्याण हो या ना हो, आज आंदोलनरत पूरा भारत है। किसी प्रदेश में चले जाइए उस राजधानी में कहीं न कहीं जो है बहुत बड़े पैमाने पर विद्यार्थी अलग आंदोलन कर रहे हैं नौकरी के लिए, किसान अपनी मां के लिए। ना किसान खुशहाल है, ना विद्यार्थी खुश है, ना जवान खुश है, करते क्या है मोदी? केवल हिंदू मुसलमान गाय गोबर भारत पाकिस्तान। हिंदुओं को बदनाम तो राहुल गांधी कह रहे हैं, उनको हिंसक कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। नहीं, ये ट्रोल करने कोशिश किया गया लेकिन बीजेपी वाले कर नहीं पाए, मोदी जी जो किए वो नहीं कर पाए। राहुल का कहना था कि हिंदू जो है हिंसक नहीं होता, सत्य भी है राहुल की बात, हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू जो है बांटता नफरत नहीं फैलाता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हिंदू में बांटेंगे, मुसलमान में बांटेंगे, अकबर के इतिहास बताएंगे, बाबर के इतिहास बताएंगे, बता बता करके देश की जनता को धर्म के नाम पर धंधा, काम के नाम पर धंधा जो है इन्होंने किया, चंदा के नाम पर धंधा दिया गया। सिलकारा कंपनी को आप ले लीजिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, चंदे के नाम पर हुआ। चंदे के नाम पर ऐसा जो 12 दिन के अंदर 5 पुल गिरे हैं, इन 5 पुलों को बताइए, जब मोदी जी के ही जीवन काल में का उद्घाटन किया हुआ है, शायद इनकी उम्र होगी जो प्रतिष्ठान बनाए हैं, मोदी जी के ही समय तक रहेंगे। थोड़ी सी बरसात अगर और हो गई, हमारा ख्याल है न जाने कितने पुल गिर जाएंगे, कितने छतें, कितने दीवारें गिर जाएंगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कल 2:30 बजे, तो उधर हाथरस में कांड हो जाता है, लोग जो है 4-4-10 बाल्टी को ले जाते हैं घायलों को, वहाँ एक डॉक्टर दिखाई देता है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं उपलब्ध होती है, तो क्या उत्तर प्रदेश की यही हाल होगी? दवाई नहीं होगी, डॉक्टर नहीं होगी, अस्पताल नहीं होंगे, स्कूल नहीं होंगे, मास्टर नहीं होंगे, तो हमारा देश गुरु बनेगा। एक बात और, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप लोग जीते तो हैं नहीं, तो जीत का फर्जी जश्न क्यों मना रहे हैं आप लोग? भाई साहब, ये समय का सौभाग्य मानिए कि मोदी जी हारते हारते बच गए। अगर कहीं प्रखरता के साथ अगर अखिलेश यादव ये ना बोले कि हम क्विटो की एक सीट छोड़ करके बाकी सब जीत रहे हैं ना, तो संदेश चला गया कि कमजोर है। अगर अखिलेश कहते कि सबसे पहले हम क्विटो बनारस जीत रहे हैं, उसके बाद सब जीत रहे हैं, तो मोदी जी भी बनारस से हार जाते। हारते हारते तो बच्चे हैं, इस बात को भी सोचे ना, इतने कम मतों से ना, और भी आए हैं 10-10 लाख 12-12 लाख। मोदी जी से ज्यादा वोटों से जीत करके राहुल आए हैं, चाहे बायनाड को आप देख लीजिए, चाहे वहाँ रायबरेली देख लो आप, राहुल से ज्यादा। अच्छा, अभी आपने बातचीत में किसानों की बात कही, तो उन्होंने इस सरकार में जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया 18 जून को, वो जाके बनारस में किसान सम्मान निधि योजना का 20,000 करोड़ रुपया देते हैं, तो किसानों के हित के बारे में वो सोच रहे हैं, उन्होंने सबसे पहली राशि जो है किसानों के लिए जारी की। भाई साहब, आप बनारस में मोदी जी खुद प्रधान सेवक हैं, पर देश के प्रधानमंत्री हैं, गोद लिए थे 10 गांव का, आप उन गांव को जाकर के देख लो कि आप गोद लिए उन गांव का क्या हाल है, बनारस के क्या हाल है। बनारस के गंगा पावन नदी में, बरुआ नदी में जो है ना, आज जो है गुजरात की बोटें लगा दी गई, जो मछुआरे और नाविक और केवट नाम लोग नाव खेलते थे ना, उनके रोजगार खत्म हो गए, लोगों को हटा करके तोड़ करके कॉरिडोर, एक रास्ता जो उसे कहा जाता है, उसको बनाने के नाम को लोगों को उजाड़ दिया गया। वही हाल आपके अयोध्या में हुआ, वही आपके बनारस में हुआ। मतलब जब लोग उजड़ जाएंगे तो आप कुर्सी ही लेके क्या करोगे, जब लोग बिखर जाएंगे तो आप दुनिया की दौलत ही लेके क्या करोगे। भारत की गरीब जनता जो है आज किस मुहाने पर खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री को इस पर अवलोकन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम गरीबों किसानों के लिए क्या किए हैं, क्या 2,000 रुपये देने से उनका जीवन यापन होता है, युवाओं को कैसे संवारा जाए, सजोया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। 43-43 पेपर जो है भारत में लीक हो जाए, और एक माँ बाप, जब एक बाप कड़ी धूप में कमाता है, माँ आग के सामने खाना बनाती है, तब जाकर किसी बच्चे का भविष्य बनता है। अब ऐसे कंडीशन में एक दो की बात नहीं है, लाखों लाख बच्चे आज जो है
उनका जीवन अधर में लटका हुआ है। सरकार को चाहिए कि लोकसभा में तुरंत जो है आदेश करे कि दोषियों को दोष बाद में देंगे, पहले बच्चों की परीक्षाएं जो लीक हुई है उनको जो है परीक्षाएं सही करा दें, जो नौकरियों के पेपर उत्तर प्रदेश में 10 लीक हो गए हैं उनकी नौकरियों के पेपर करा करके उनको उपयुक्त अभ्यर्थी जितने पाए जाते हैं उनको नौकरी दिला दें। तो शायद है देश में जो 2027 में चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, हो सकता है योगी या मोदी जी के कुछ परचम लहराए, अन्यथा ये आक्रोशित जनता जो है धन के नाम पर अब नहीं ठगी जाएगी। धर्म के नाम पर 10 साल तक भले आपने सरकार चला लिया लेकिन अब चलने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जंतर मंतर पे आए हुए हैं और किस प्रकार मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, नीट में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उस बात को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या है आपकी राय, आप अपनी राय में कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, जनहित आवाज़।